बड़ी खबर का रुख करते हैं। दिल्ली से अदिति नागर की रिपोर्ट है। सोनिया से कल सचिन पायलट मुलाकात करेंगे। कल सुबह दिल्ली में होगी मुलाकात। पायलट खुद के फ्यूचर सेल को लेकर वो बात करेंगे, फ्यूचर रोल को लेकर वो बात करेंगे। पायलट आज रात पहुंच रहे हैं दिल्ली। तो आपको बता दें पायलट आज रात को दिल्ली पहुंच रहे हैं और हमारे साथ दिल्ली न्यूज एडिटर अदिति जुड़ गई हैं। अदिति, पायलट की सोनिया गांधी से मुलाकात, कितना खास ये मुलाकात रहेगी? देखिए, पिछले दो दिनों से मेघा जिस तरीके से सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स चल रहे हैं और राजस्थान को लेकर तमाम तरीके के डिस्कशन चल रहे हैं, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कल 3 घंटे से लंबी मुलाकात प्रियंका गांधी से की। आज सुबह सोनिया गांधी से उनकी मुलाकात की और जो बाहर निकले तो अक्सर देखा जाता है कि बॉडी लैंग्वेज से और हाव भाव से हम जज करते हैं कि कैसी रही मुलाकात। तो हालांकि मुख्यमंत्री को डिकोड करना डिफिकल्ट है, लेकिन फिर भी ये लगा कि बैठक बहुत महत्वपूर्ण थी, बहुत ही अच्छी मुलाकात हुई। और जब उनसे पूछा गया कि मंत्रिमंडल कब होगा, कैसे कब तक हो जाएगा या क्या आपकी चर्चा हुई, तो उन्होंने इसी बात का यही बात कही कि वो अपनी अपना पक्ष आलाकमान पर सामने रख चुके हैं, बाकी आलाकमान जो तय करें। लेकिन इसके बाद अब एक मुलाकात कल होने वाली है जो कि सचिन पायलट सोनिया गांधी से मुलाकात करेंगे और ये शायद जो पॉलिटिकल क्राइसिस हुआ था उसके बाद सोनिया गांधी से सचिन पायलट की पहली मुलाकात हुई। लेकिन इस मुलाकात की मायने इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि एक तरफ राजस्थान में मंत्रिमंडल जो बहुत लंबे समय से इंतजार हो रहा है वो होने वाला है, पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट होने वाले हैं, और दूसरी ओर सचिन पायलट के भविष्य के बारे में जो चर्चा होनी है वो कल इस बैठक में होनी है। मंत्रिमंडल का चैप्टर लगभग डिसाइड हो चुका है, ये कह सकते हैं जैसे अंग्रेजी में एक कहावत है कि डन एंड डस्टेड, वो तमाम चीजें हो चुकी है। लेकिन इसके दूसरी तरफ मुद्दा है कि सचिन पायलट का रोल क्या होगा। सूत्र यही बता रहे हैं कि उनका खुद का राजस्थान में अभी फिलहाल कोई रोल नहीं है, लेकिन उनको AICC में बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है या उनसे ये बात पूछी जाएगी कि वो क्या चाहते हैं। तो ये तमाम बातें कांग्रेस प्रेसिडेंट के सामने कांग्रेस प्रेसिडेंट सचिन पायलट से कल बातचीत करेंगी और ये तय किया जाएगा, क्योंकि जब मंत्रिमंडल विस्तार होगा उसके साथ साथ साइमल्टेनियसली सचिन पायलट के रोल को भी तय करना जरूरी है, जिससे कि राजस्थान में किसी भी तरह का पॉलिटिकल इंबैलेंस या किसी भी तरह के कोई भी फैक्शंस हैं उनके बीच में कोई भी इंबैलेंस ना हो। तो ऐसे में कल की मुलाकात जाहिर तौर पे बेहद महत्वपूर्ण है सचिन पायलट के लिए, अपने आप में महत्वपूर्ण है कि वो उस पॉलिटिकल क्राइसिस और मानेसर इशू के बाद पहली बार सोनिया गांधी से मुलाकात कर रहे हैं। इस बीच में वो राहुल से मिले, प्रियंका से अक्सर मिलते रहे, लेकिन कांग्रेस प्रेसिडेंट से वो नहीं मिल पाए थे। तो कल वो अपने कई मुद्दों पर बातचीत रखेंगे, अपना पक्ष भी रखेंगे और हो सकता है कि पुरानी तस्वीर को भी वो साफ करने की कोशिश करें। लेकिन अगर ये पूछा जाए कि बैठक की क्या मायने और किसकी है, तो इसके आगे के फ्यूचर रोल को डिसाइड करने के लिए सचिन पायलट के ये बैठक की जा रही है। और उसकी एक तरफ बात ये भी है कि जहां पर मंत्रिमंडल में जो राय मशवरा है, तो सचिन पायलट जिन लोगों को इंडक्ट कराना चाहते हैं मंत्रिमंडल में, चलिए तो फ्यूचर रोल क्या रहेगा सचिन पायलट और इसको लेकर ये बैठक जो है वो बहुत महत्वपूर्ण भी रहेगी। अदिति, बहुत बहुत शुक्रिया।